नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों की। छत्तीसगढ़ के गंडई में 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज का धरना प्रदर्शन। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा पुनः 32% आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार 17 अक्टूबर को एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शित किया गया। ज्ञात हो कि हाईकोर्ट के अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से कम कर 20% करने के आदेश पर नाराजगी जताते हुए पुनः 32% आरक्षण की मांग करते हुए सर्व आदिवासी समाज के तहसील अध्यक्ष व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतराम से तैया के नेतृत्व में किसी जिले से हजारों की संख्या में पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे अम्बेडकर चौक से रैली निकाली, जो बस स्टैंड मार्ग टेम्पो चौक जयस्तम चौक तुरकारी पारा व इतवारी बाजार होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम सौंपे ज्ञापन में आदिवासी समाज ने बताया कि बीते माह 19 सितंबर को हाईकोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 32% से कम कर 20% करने का आदेश दिया है। इस मांग को एक माह के अंदर नहीं माना गया तो सर्व आदिवासी समाज प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान प्रमुख रूप से सर्व आदिवासी समाज तहसील अध्यक्ष संतराम छेदैया, देवधर छेदैया, राजकुमार मंडावी, प्रेम छेदैया, देव मंडावी सहित बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। गंडई संवाददाता रवि रजक की रिपोर्ट। आज सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले 32% आरक्षण को लेकर के आज पूरे खैरागढ़ छुदान गंडई सालेवाला क्षेत्र के सभी सर्व आदिवासी समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और सबसे बड़ी बीजेपी और कांग्रेस वालों ने इस आदिवासी को छले हैं। इसी के संबंध में आज ये भव्य जो आंदोलन है, और अगर ये हमें 32% आरक्षण नहीं मिलेगा तो आगामी और इनसे भी ज़्यादा भव्य आंदोलन करेंगे। आगे की क्या रणनीति है? और आगे और जब अभी थोड़ा सा अध्यादेश को देख रहे हैं, अभी सरकार की बोले हैं कि अध्यादेश लागू करेंगे लाएंगे, पर उसी को देख रहे उसके संबंध में हम लोग फिर आगामी रणनीति बनाएंगे। जिला कलेक्टर महोदय से आप लोगों की ये है, आप हमारे जो मांग है उसको ज्ञापन के माध्यम से पहुँचाने की आश्वासन दिए। रसोई संघ को भी आप शिक्षा विभाग से हूँ और सर्व आदिवासी महिला विभाग खैरागढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करती हूँ। आज हम लोग 32% की आरक्षण की लड़ाई के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमें हाईकोर्ट के माध्यम से उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि सर्व आदिवासी समाज की जो आरक्षण है वो 32% से कम करके 20% कर दिया और उसी 20% को हम पर लागू किया जाएगा जो हमारे ऊपर अत्याचार है। हमारी भागीदारी जितनी है उतनी ही हमें आरक्षण दिया जाए, ये हमारे सरकार